Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके गनर की प्रयागराज में सरेआम हत्या कर दी गई, जिसे लेकर सूबे की सियासी तापीस बढ़ गई है। आरोप बाहुबली मुख्तार माहुबली अतीक अहमद और उसके परिवार के ऊपर लगा है। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को पार्टी से बाहर न निकालने की बात कहकर खुद उनके साथ खड़ी नजर आ रही, तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को उमेश पाल के घर वालों के आंसू पोंछने के लिए भेजकर राजनीतिक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। सवाल उठता है कि की सियासी मजबूरी है या फिर उनकी रणनीति का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुजन समाज पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। मायावती का साथ छोड़कर पार्टी के तमाम बड़े नेता चले गए हैं या फिर उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। बसपा का वोट बैंक भी खिसक कर करीब 13% पर पहुंच गया है। सूबे में पार्टी का एक ही विधायक है। ऐसे में मायावती यूपी की सियासी पीच पर एक बार फिर से दलित मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग का समीकरण बनाने में जुटी हुई हैं। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के सहारे मायावती प्रयागराज में अपनी खोई राजनीतिक शाख को पाने के साथ साथ दलित मुस्लिम फॉर्मूले को अमली जामा पहनाने की कोशिश में है। वहीं पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के जरिए अति पिछड़े वोट बैंक को साधने का दाव चल रही है। लेकिन मायावती की इस रणनीति में उमेश पाल हत्याकांड ने पलीता लगा दिया है, क्योंकि इस मामले का आरोप अतीक अहमद और उसके परिवार पर लगा है। मायावती ने अतीक की पत्नी शाइस्ता को अभी तक बहुजन समाज पार्टी से तो नहीं निकाला है, लेकिन उनकी राजनीतिक पारी पर सवाल जरूर खड़े किए हैं। हत्याकांड को लेकर अतीक के बेटे और शाइस्ता परवीन के देवर पर मुकदमा दर्ज कराया गया। शाइस्ता परवीन पर एक्शन लेकर मायावती मुस्लिमों को संदेश देने की कवायद कर रही है कि बसपा उनकी खैर ख्वाह है। महज पर आरोप प्रत्यारोप से वह शाइस्ता को पार्टी से बाहर नहीं करेगी। हालांकि उन्होंने यह बात जरूर कही है कि शाइस्ता को जांच में दोषी साबित होने के बाद ही पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। शाइस्ता परवीन पर एक्शन होगा या नहीं, दिलचस्प बात यह है कि मायावती बसपा नेताओं और पदाधिकारियों को छोटी छोटी गलतियों पर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया करती थी, लेकिन यहाँ उमेश पाल और उनके गंड की हत्या के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। शाइस्ता परवीन को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इसके बावजूद मायावती ने साफ कह दिया है कि जांच के बाद ही शाइस्ता परवीन पर कोई ऑप्शन होगा, लेकिन यह कहने में भी गुरेज नहीं किया कि अतीक समाजवादी पार्टी का प्रोडक्ट है। मायावती ने शाइस्ता के साथ खड़े होकर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को यह संदेश देने की कवायद की है। इल्जाम की बुनियाद पर कोई एक्शन नहीं होगा, यह भी बताने की पूरी कोशिश की जा रही है कि चाहे हालात जैसा भी हो, बसपा मुस्लिमों के साथ खड़ी है। इसके अलावा उमेश पाल के परिवार वालों के पास अपने प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को भेजकर सियासी बैलेंस बनाए रखने की कवायद भी हो रही है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल सुलिमसराय स्थित उमेश पाल के घर पहुंचे, उनकी पत्नी जया पाल और मां शांति देवी को ढाणस बढ़ाया। मां के आंसू पोंछते हुए कहा कि परेशान न हो, पार्टी उनके साथ है। दोषियों को सामने लाने के लिए बसपा प्रमुख मायावती ने उच्च स्तरीय की जांच की मांग की है। यह भी कहा गया है कि माफिया अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन अगर इस मामले में दोषी साबित होती हैं तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। उमेश पाल के परिवार के साथ खड़ी बसपा। विश्वनाथ पाल ने कहा कि राज्यपाल हत्याकांड में उमेश पाल ने निडर होकर गवाही दी थी, यह पार्टी के प्रति उनका अगाध प्रेम और समर्पण भी था। उन्होंने कहा कि पार्टी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए साथ खड़ी रहेगी। इतना ही नहीं, बसपा राज्यपाल से लेकर पूजा पाल तक को राजनीति में लाने और उन्हें विधायक बनाने तक की बात को रख रही है। बसपा नेताओं की तरफ से कहा गया है कि राज्यपाल को 2 बार विधानसभा का पार्टी ने टिकट दिया, जिसमें 1 बार वह जीते और उनकी पत्नी पूजा पाल को 4 बार पार्टी ने लड़ाया, जो 2 बार विधायक बनी। इस तरह बसपा हमेशा राजू पाल के साथ खड़ी रही और उसके बाद पूजा पाल के साथ भी रही, लेकिन खुद वो 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा छोड़कर सपा में चली गई। इतना ही नहीं, अतीक अहमद पर मायावती ने सत्ता में रहते हुए जिस तरह एक्शन लिए उसमें भी बसपा नेता बता रहे हैं। बसपा की सियासी मजबूरी के साथ राजनीतिक रणनीति भी है कि मायावती का शाइस्ता परवीन और उमेश पाल दोनों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश रहे, लेकिन यह सियासी दाव कितना सफल रहेगा ये तो आने वाले चुनाव में ही पता चल पाएगा। बाकी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया?